अभी इसको मिक्स करेंगे। जैसा ही मुझे तो वैसे ही लग रहा है, म्यूजिक चल रहा था, अभी हमने बंद किया है क्योंकि एज यूजुअल कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा बेकार में, इसीलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड ट्रेली, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित आपको स्वागत करता हूं एक नए दिन में नए एक्सपीरियंस के साथ। आज है संडे और हम जाने वाले हैं एक नए कैंप साइट पे, जहां पर हम सोच रहे हैं कि आज टेंट पिच ना करें, हम सोच रहे हैं कि गाड़ी में ही अपना कैंपिंग किया जाए। आज सोच रहा हूँ, देखते हैं वहाँ पर जाके अगर ऑप्शन मिलता है तो वहीं करेंगे, इफ़ नॉट द टेंट पिच करेंगे। और ये जो लोकेशन है ये हमारे घर से, मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी घर से एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। इट इज़ अगेन इन बन्नारघट्टा और पास में एक लेक भी है। आई एम नॉट श्योर कि लेक कैसा है और कितना क्लियर है, पानी कैसा है मुझे पता नहीं है, वो जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। और वेदर अच्छा ही लग रहा है क्योंकि बैंगलोर में 3-4 दिन से बारिश हो ही रही है कॉन्स्टेंटली, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी बादल और धूप हल्की हल्की मिलेगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते चलिए। तो अभी नाइस रोड का तो जो टोल गेट है वो क्रॉस हो चुका है। हमको जहाँ भी जाना है हर कैंपिंग, मतलब मोस्टली यहाँ पर बन्नारघट्टा, नीलमंगला, कनकपुरा, जो भी हो, मतलब जहाँ भी हम शॉर्ट वीकेंड के लिए जाते हैं ना, तो नाइस रोड हमें बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली ये बन के बहुत साल हो गए, लेकिन जब ज़रूरत हम यूज़ करते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये कितना अच्छा एक रोड उन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने और बहुत यूज़फुल है। ओके, तो दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा था कि ये जिस 30 किलोमीटर है हमारे अभी के घर से, तो अभी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर नाइस रोड तक ही, मतलब टोल गेट तक ही क्रॉस हो चुका है और 22 किलोमीटर बाकी है। और जैसा मैंने बोला था कि बारिश हो रही है तो बादल भी हैं और धूप भी है, ब्रोकन क्लाउड्स है, मतलब ऑन ऑफ टाइप का ही है। तो मेरे ख्याल से जहाँ हम जा रहे हैं लेक के पास, वहाँ पर कन्फर्म शाम को बारिश होगी, मुझे वैसा लगता है। तो अभी होगी कि नहीं होगी वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर होगी। अभी चलिए वहाँ पर देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है, मिलते हैं आपसे कैंप साइट में। अभी आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही हम कैंप साइट के नज़दीक जितना पहुंचने जाते हैं, वहां पर मतलब माहौल पहले से ही एकदम कैंपिंग वाला बन जाता है। दोनों तरफ हरियाली हरियाली और ऊपर से ये जो रास्ता है ये बन्नारघट्टा नेचर कैंप की तरफ जा रहा है और उसको क्रॉस करके हम शायद हमारे कैंप साइट की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए आप दोनों तरफ और सामने, मतलब तीनों तरफ यहाँ पर हरियाली और पहाड़, जो एकदम कैंपिंग का परफेक्ट एक माहौल जैसा बन गया अभी से ही। तो इसीलिए ये देख के ऑलरेडी मैं एक्साइटेड मतलब हो जाता हूँ और वो जो इंटरेस्ट है कैंपिंग का वो डबल हो जाता है। आपको भी लग रहा होगा वैसा ही वाला, क्योंकि दो धूप है लेकिन हरियाली इतनी है तो ये मज़ा एकदम बढ़ जाता है। तो इसी को देखते देखते आगे बढ़ते हैं और लगभग 8 किलोमीटर है हमारे कैंपिंग साइट की तरफ और बस वहीं पहुँचते हैं अभी, फिर कैंपिंग स्टार्ट करेंगे।
अभी हम पहुंच गए हमारे कैंप साइट पे, और जैसे हम कैंप साइट के नज़दीक जा रहे हैं तो मुझे पानी दिख रहा है और सामने एकदम हरियाली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अभी से स्टार्ट हो गया। एम्बियंस शाम को बहुत अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर सोर्स है, और ये थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप भी हो गया, तो एडवेंचर भी खुश है चिट्टी, वो भी मस्त अपना आके। और अभी हम एंटर करने वाले हैं इसके मेन गेट में। तो दोस्तों गाड़ी पार्क यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिट्टी पार्क हो गया है। मैं जा रहा हूँ अंदर, एक चेक इन फॉर्मेलिटी होता है इनका, ये वो फुलफिल करके मैं आता हूँ, फिर आपको डिटेल्स बताता हूँ। चलिए हाँ। तो दोस्तों चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो चुका है, जैसे आपने देखा वहाँ पर आपका आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट आईडी आपको वहाँ पर देना पड़ता है। ये कैंप मॉ का एक प्रॉपर्टी है बन्नरघट्टा लेक के पास, और बन्नरघट्टा जंगल के पास, सॉरी नॉट लेक। और यहाँ पर एक वाटर सोर्स है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गाड़ी हमारा यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर हम एक सेटअप बनाएंगे, और फिर यहाँ आपका खाने का भी एक अरेंजमेंट होगा, उसके बाद घूमेंगे फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे आप अपना टेंट लेके आ सकते हो, आप अपना आरवी लेके आ सकते हो, या कार कैंपिंग कर सकते हो। इसमें वहाँ पर वो टर्पलेन लगा देंगे, क्योंकि अगर बारिश वारिश अगर हो गई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका पहले बंदोबस्त कर देते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी घुमाते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रश्मिता बैठी है जिस जगह पे, वहाँ पे उसके पीछे ही वाटर सोर्स है, ये लेक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पर जाने का मन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी है, कैंप फायर लोकेशन है, और ये शाम को बहुत ही अच्छा लगेगा ये जो है ये जगह। और अभी यहाँ पर जो है ये कैंप मॉ का साइट है बन्नरघट्टा में, हमने सिर्फ BYOT लिया है, क्योंकि हमारा तो खुद का गाड़ी है, टेंटिंग सेटअप है, और खाना बनाने का जो भी है हमारा खुद का है। ये 1000 पर एडल्ट प्लस टैक्सेस है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, इनका कॉटेजेस और कंटेनर्स वो भी है, आप वो भी ले सकते हो। इनका वेबसाइट में पूरा डिटेल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगा।
तो अभी हो गई है दोपहर के आई थिंक 2:30 बजे, तो अभी हम जाएंगे और अपना खाना बनाएंगे, लंच प्रिपेयर करेंगे और उसको भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए बनाते अभी लंच। तो ये पानी हम लेके आए हैं, यहाँ पर पानी इस बाल्टी में थोड़ा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर धोने के लिए भी इजी हो जाता है। और ये अपने गाड़ी के पास लेके चले जाएंगे तो वहाँ पर चॉपिंग वॉपिंग और प्लेट व्लेट धोने के लिए ये इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज लंच का मेन्यू में आज वेज बनेगा, हम आज बनाएंगे मशरूम वेजिटेबल फ्राइड राइस उसके साथ गोभी चिली। हमने थोड़ा सा प्रिपरेशन घर में भी कर लिया था आज सुबह और कल रात को भी, तो यहाँ पर क्या है कि कैंपिंग लोकेशन में थोड़ा इजी हो जाता है जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे किचन की तरफ और वहाँ पर प्रिपरेशन की तैयारी देखते हैं। चलिए, और रश्मिता बिजी हो गई है यहाँ पर मशरूम काटने के लिए चॉपिंग। और ये रहा मशरूम और इसमें है हमारा जो क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स, गाजर और थोड़े से बीन्स और यहाँ पे है कैप्सिकम। हाँ, यहाँ पर है कैप्सिकम और प्याज और इसमें है गोभी जो तला हुआ है, उसका चिली बनेगा। और ये सब प्रिपरेशन होने के बाद सीधा जाएगा चूल्हे पे और ये फाइनल प्रिपरेशन बनेगा। और मशरूम धो के लेके आ जाना क्योंकि कैंप साइट पे मशरूम धोने के लिए बहुत पानी लगता है। करेक्ट, तो बेटर है कि आप धो के लेके आ जाए। करेक्ट। और इसमें है राइस जो उबाल के राइस तो राइस ही होता है, मतलब बॉईल करके लेके आ गए। हाँ, ये बॉईल करके हम लेके आ गए। तो चलिए प्रिपरेशन फटाफट बनाते हैं, फिर फाइनल प्रिपरेशन होगा चूल्हे में। और खाना बनाएगा सुमित, मैं सिर्फ चॉपिंग करूंगी। वीकेंड का ये है कि मैं सिर्फ चॉपिंग करती हूँ, खाना सुमित बनाता है, वीकडेज में मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर रश्मिता प्याज और कैप्सिकम काट रही है और रो भी रही है। प्याज बहुत ही तेज है और पानी आ रहा है। हाँ, पानी नहीं, सुमित ने दो थप्पड़ मारे। तो दोस्तों चलिए अभी फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चूल्हे को ऑन करते हैं। यस, चूल्हा इज ऑन। और ये ब्यूटन गैस जो है अभी ये थोड़ा खत्म होने को है, लेकिन हमारे पास दूसरा वाला है, उसको भी फिल कर देंगे फटाफट। पहले जैसे ही तवा गरम होता है मैंने इसको धो लिया है, इसमें इसको फटाफट अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं लहसुन और ये करारे लहसुन अभी गए इसके अंदर और इसमें जाएगा, सॉरी ये तो चिल्ली का है, इसमें जाएगा वेजीज, इसमें है बीन्स गाजर और कैप्सिकम। रश्मिता ने काट के रेडी कर दिया, अब इसको में जाएगा ये फटाफट। और ये बहुत ही सिंपल सा फ्राइड राइस बनेगा, मशरूम फ्राइड राइस। अभी मशरूम डालेगा इसमें वेजिटेबल्स पे जो रश्मिता ने काट के रखा था, अब इसको हाई फ्लेम करते हैं और इसको टॉस करेंगे फिर से। तो अभी मशरूम गया इसके अंदर, वेजिटेबल के साथ वो मिलजुल के अपने आप वो कुक हो जाएगा क्योंकि मशरूम ज़्यादा टाइम लेता नहीं है वैसे भी। और इसमें नमक अभी मैंने डाला नहीं है, अभी ये डालूँगा तो यह पूरा प्रॉपरली कुक हो जाएगा। तो अभी ये शेजवान सॉस घर से बना के हम लेके आए थे, इसमें से थोड़ा सा जाएगा।
ये गया इसके अंदर। अभी मैं इसमें डालने वाला हूँ नमक और पेपर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सोया सॉस। अभी इसको मिक्स करेंगे। तो फ्राइड राइस बन चुका है, अभी चलती है, चलिए बनाते हैं हमारा गोभी चिली। गोभी हमने तल के घर से लेके आया हुआ था, यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे और फ्राइड राइस के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए, तो तवा यहाँ पर जा चुका है, इसको थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा मसाले के साथ इसको टॉस करेंगे, क्योंकि ये गोभी चिली बनने वाला है। तो थोड़ा ढेर सारा ग्रीन चिली, और ये एकदम उछल रहा है फिर से एज एक्सपेक्टेड। और इसके अंदर जाएगा प्याज, उसके साथ लहसुन मिक्स्ड है, और इसमें जाएगा थोड़ा सा कैप्सिकम, और मेरा करछी इधर रह गया। अब इसको फिर से मिक्स करेंगे। अभी ये जो गोभी हमने तल के लेके आया था, इसको मिक्स कर देंगे इसमें, इसको थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और ये कॉर्नफ्लावर मिक्स हम लेके आए थे, इसको इसमें थोड़ा सा केचप, और फिर से मिक्स 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 मिक्स। तो चलिए अभी खाना परोसते हैं, कैसा बना है रश्मिता बताएगी। ये रहा गोभी चिल्ली, और ये रहा मशरूम फ्राइड राइस, और चम्मच। तो ये है आज का लंच। अभी हम इस लेक के सामने बैठेंगे यहाँ पे, और इस क्या बोलते हैं, सेल्फ कुक्ड लंच को एंजॉय करेंगे। चलिए, तो ये रहा फ्राइड राइस, ये देखिए उजाले में, वहाँ पर उजाला उतना है नहीं, ये फ्राइड राइस का निवाला मैंने बनाया। ब्लैक पेपर ज़्यादा हो गया लेकिन अच्छा है। और ये गोभी चिली का गोभी, ये अच्छा है, जैसा बनना चाहिए चिली। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है, और एक बड़ा सा बाइट बनाएंगे फुल स्पून। अच्छा, मुझे ज़्यादा पेपर नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अभी एक्चुअली हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, अभी 3 बज चुके हैं, बनाने बनाते आधा घंटा लग गया, पर मौसम बहुत अच्छा गया इसीलिए शेड नहीं चाहिए, आप बाहर आके आराम से बैठ के खा सकते हो। अभी हम खाना एंजॉय करते हैं, पीछे पानी का हल्का हल्का सा साउंड आ रहा है, पंछियाँ भी चिची चिची कर रहे हैं। मस्त सा लंच करते हैं, बाद में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों लंच हो चुका है, आपने देखा हमारा फ्राइड राइस और गोभी चिली, बहुत ही टेस्टी था, थोड़ा तीखा बन गया था बट दैट इज एक्सपेक्टेड। अभी हम थोड़ा सा बैडमिंटन खेलेंगे, हवा क्योंकि ज़्यादा नहीं है, रश्मिता रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे बैडमिंटन अच्छी तरह से खेल सकते हैं, तो चलिए बैडमिंटन खेलते हैं, फिर शाम का प्लान बनाएंगे। Oh,
करने के बाद हम यहाँ पर आए, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर रश्मिता देखिए हैमक के अंदर वो झूल रही है वो अंदर घुस भी चुकी है। रश्मिता के साइज के हिसाब से वो बड़ा है, वो अंदर घुस जा रही है। और यहाँ पर मेरे पीछे और मेरे चारों तरफ आप देखिए एकदम मस्त सा एक मौसम सा बन गया, क्योंकि धूप ज़्यादा है नहीं, बादल है, ढके हुए हैं और ठंडी सी हवा बह रही है। एक घंटा बैडमिंटन खेलने के बाद भी पसीने एकदम निकला नहीं, क्योंकि फटाफट सूख जाता है। और अभी मैं जा रहा हूँ, मैं अपना कॉफ़ी लेके आता हूँ, तब तक आप ये एम्बियंस एक बार देख लीजिए और मैं कॉफ़ी लाने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। पर बहुत सारा समय हमने बैठा यहाँ पर, सनसेट मेरे पीछे देख रही आप हो ही रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पानी के अंदर रिफ्लेक्शन एकदम मस्त आ रहा है और क्या बताऊँ, लोग हैं यहाँ पर भी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे लोग हैं। हम दोनों को छोड़ के मेरे ख्याल से और 10 लोग यहाँ पर हैं और उनके स्टाफ को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जगह इतनी बड़ी है और सब अपने अपने साइलों में एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर माहौल एकदम बढ़िया सा, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मेरे आगे बहुत ही अच्छा सा एक माहौल बन गया है। और एक्चुअली यहाँ पर सनसेट को देखते देखते मैं और रश्मिता यहाँ पर इसको निहार रहे थे और बहुत ही अच्छा सुकून लग रहा था यहाँ पर। और जो बोलते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे आप जॉब करो और काम करो, बिजी रहो, और सैटरडे संडे आके कहीं पर ऐसी जगह में आप रिलैक्स करो, दिस इज़ द वन, यही मैं बोल रहा था। तो चलिए वापस अपने गाड़ी में चलते हैं और शाम का लाइट फाइट म्यूज़िक गाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार कैंपिंग का जो सेटअप है हमारा एक्सयूवी में, ये यहाँ पर देखिए बन रहा है। यहाँ पर बेड सेटअप हो रहा है, रश्मिता यहाँ पर बेडशीट भी ऊपर डाल रही है। तो गद्दा हम ले के आए थे अपने साथ और ये कुशन तो हमारे पास रहता ही है गाड़ी के अंदर, वो कुशन वो देखिए ऊपर जो है ये वाला, तो इसी को हम तकिए की तरह यूज़ करेंगे। और इसके अंदर लाइट भी लगने वाला है, अभी अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ गद्दा जा रहा है। और इस साइड से आप देखिए, ये मैं गाड़ी के अंदर गया और ये रहा, और मैं भी आ गई, रश्मिता भी आ गई। ये एकदम हम दोनों के लिए एकदम सेट है ये वाला जो सेटअप है, ये हमारे गाड़ी के अंदर। गाड़ी में एक्स्ट्रा चीजें थे जैसे हमारा पिकनिक बास्केट वगैरह, हाँ, वो सब यहाँ पे रह जाता है सीट के, हाँ, सब वो नीचे रह जाता है यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस के लिए हो जाता है, स्पेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब आगे रख देते और इसको बेड की तरह बिछा देते। और ये पूरा बना नहीं है, अभी इसके अंदर हम लाइट भी लगाएंगे ताकि ये पूरा एकदम घर जैसा लगे, करेक्ट? करेक्ट। तो हो गया हमारा पूरा सेटअप विथ लाइट, मस्त दिख रहा है। देखिए ये पूरा सामने का है और ये पीछे का है मेरा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना गाड़ी के अंदर, पूरा लग रहा है ना अब पूरा डीजे नाइट जैसा ही, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। म्यूजिक चल रहा था, अभी हमने बंद किया है क्योंकि एज यूजुअल कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा बेकार में, इसीलिए। तो कार कैंपिंग के लिए हमने कार में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, सिर्फ हाँ ये एक्सयूवी 500 में ये एक फैसिलिटी है, आप पूरा पीछे का जो दो रो है आप बंद कर सकते हो, तो पूरा बेड जैसे बन जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत लाइट लगा लो तो मस्त दिखता है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों लाइट सेटअप हो चुका है और गाड़ी के अंदर का बेड भी बिछ चुका है, अभी बनाते हैं रात का डिनर। तो अभी आज बनेगा एग रोल का नज़ारा देखिए, यहाँ पर जो है इस इनके जो प्रॉपर्टी में ये चारों तरफ ये लाइट लग चुकी हैं, पूरा एकदम बढ़िया सा चारों तरफ इन्होंने वार्मलेट लगाया हुआ है। और सामने वो लोग जो कंटेनर है वहाँ पर भी उनका एक खुद का वार्मलेट सेटअप है। ये तो हमारा जो कार कैंपिंग वाला सेटअप है, यहाँ टर्पलेन और लाइट के साथ, और यहाँ पर हमारा जो कुकिंग टेबल है ये हमारा खुद का सेटअप है, लेकिन प्रॉपर्टी का भी अपना एक लाइटिंग सेटअप है और जो भी अच्छा खासा एक लाइट इफेक्ट दे रहा है इस पूरे इलाके को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम को भी यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है और सनसेट भी आपने देखा हो, एकदम गुलाबी गुलाबी वाला सनसेट था आज। सच में गुलाबी गुलाबी गुलाबी, मैं पहले से बोल रहा था ना गुलाबी गुलाबी, आज मिल गया गुलाबी वाला सनसेट।
तो और देख, मेरा तो इंडिया मैप ही बन गया। नहीं नहीं आज रोटी अच्छा है। क्या अच्छा है? रोटी अच्छा बना। हाँ इतना काफी है, बन जाएगा रोल, अच्छा बन जाएगा। ज्यादा ज्यादा पतला मत करो। ठीक है। ये सही है। अभी रश्मिता खा के बताएगी रोल कैसा है, बताओ। ये पहला निवाला थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं हाँ वेजिटेबल ज्यादा स्टफ कर दिया मैंने। हम चलते हैं, आज रात का तो यही प्लान था। हम ये खाना एंजॉय करेंगे, आपसे मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए आपको गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप देख सकते हैं इस पूरी गाड़ी भीग चुकी है। रात भर बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है, और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मैं गाड़ी के अंदर से दिखा रहा हूँ, कांच भी खुला नहीं है क्योंकि बारिश कॉन्स्टेंटली हो रही है। थोड़ी देर में सूरज महाराज उठ जाएंगे, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत विथ रेन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर इस कैंप साइट में मैं सुबह यहाँ पर खड़ा हूँ। आपने सुबह देखा होगा कि विंडो से कितना बारिश का नज़ारा, और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी और उसके सामने का वो टेंट सेटअप। ये काफ़ी यूज़फुल रहा और हेल्पफुल भी रहा हमें, क्योंकि जब भी कुछ चाहिए होता था हम टेबल के सामने से फटाफट लेके आ सकते थे, क्योंकि इवन दो बारिश हो रही थी फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो टर्पलिन था और पानी से बचाव हो भी गया। और ये छाता पकड़ कर मैं खड़ा हूँ क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, कल रात से शुरू हुई अभी तक चली रही है। और यहाँ पर जो है नज़ारा चारों तरफ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम बढ़िया सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, जो भी आप बोल सकते हो वैसा ही लग रहा है। और अभी फ्रेश हो गया हो, रश्मिता गई है फ्रेश होने के लिए, फिर उसके आने के बाद हम कॉफ़ी बनाएंगे और लेक के पास जाएंगे। रश्मिता आ गई है और हम दोनों झमाझम बारिश हो रही है। हम दोनों छाता पकड़ के खोपचे में खड़े, मेरे पीछे लेक देखिए आप। हाँ। वही पर अभी मैं कॉफी पी रहा था, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर। और छाता काम नहीं करेगा, छाता काम नहीं करेगा, हवा के साथ बारिश हो रही है और इंटेंसिटी बढ़ गई है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पोंचो ही निकालते हैं, छाता कुछ काम का नहीं है। घूमो। और ये सारे टेंट अभी तक लगे हैं, और लेक के पीछे आप देखिए कितनी जोरों से बादल है, कितना बारिश है। हाँ। आसमान में रात भर बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो जा रही है। यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकते हैं, फिर आप अनपैक करके वापसी की तैयारी करते हैं। हाँ पूरा भीग जाएंगे, वरना पोंचो निकाल के घूम सकते हैं, छाते में तो होगा नहीं बाबा। तो दोस्तों ये रहा पूरा सेटअप इस कैंप लोकेशन का, और अभी हम रैप अप कर चुके हैं। अभी बजे हैं सुबह के 8, अभी भी बादल है और झमाझम बारिश हो ही रही है। आज हमें कुछ खास भूख नहीं है, तो सिर्फ कॉफ़ी पीने के बाद हम सोच रहे कि घर वापस चलते। आज मंडे भी है, घर जाके लॉगिन भी करना, ऑफिस का काम भी स्टार्ट करना है। होपफुली आपको ये पूरा सेटअप, कार कैंपिंग इन हैवी रेन नेक्स्ट टू लेक, और ये टेंट सेटअप, जो भी हमने कल किया, कल सुबह दोपहर शाम को खाना बनाया, गोभी चिली एंड मशरूम फ्राइड राइस, आप सबको पसंद आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक, कमेंट, शेयर।
आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फूड रैली व्लॉग के साथ। और अपने और ऐसे ये हमारा जुगाड़ अभी थोड़ा मेसी मेसी हो गया है, क्योंकि अभी पूरा सेट करने के लिए भीग जाएंगे फिर से, तो हाँ। ऐसे है, घर जाके सेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बारिश तो मस्त हो रही है, अगर ऑफिस नहीं होता तो और एक घंटा बारिश में भीग जाते, पर अभी जाना ही पड़ेगा, इट्स ओके। हाँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड भी है, पर अभी जैसे हमने कहा कुछ बनाने का मन भी नहीं और उनका खाने का भी मन नहीं है। अराउंड 8:30 दे विल सर्व ब्रेकफास्ट, पर उससे पहले हम निकलते हैं। जैसे सुमित ने कहा, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग फ्यूचर ब्लॉग्स। तो तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग तक आप अपना सेहत का ख्याल रखिए, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।